फंसा हुआ है। देखो ये जो है बंदा है ना, इसके अंदर इतना टैलेंट है भाई। पहले पाकिस्तान के अंदर था ये, अब उधर भी इसका टैलेंट नहीं निकला है, अभी ओमान के अंदर आया है, मेरे साथ काम करता है। इंशाल्लाह इसको टैलेंट को हम बांटेंगे सारी दुनिया के साथ। आप इसको टैलेंट को सीखना है, जानना है, तो जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब कर लो ये चैनल को, ठीक है। ये देखो बंदा क्रैंक सेंसर के बगैर स्टार्ट करता है, अभी क्रैंक सेंसर लगाए। भाई ये बंदा जो है ना हमारा बिलाल भाई है, इसके अंदर इतना टैलेंट है, ये हर जगह से कारण निकलता है। जिधर कारण नहीं हो इसको बता दो, फिर बिना कंप्यूटर के बगैर कारण निकलता है, क्रैंक सेंसर के बगैर गाड़ी स्टार्ट करता है। अब इसको देखो, ये गाड़ी आया है दूसरी गैरेज से, वो ये पट्टी बदली किया था, बाद में स्टार्ट नहीं हो रहा था। हम भी कई दफ़ा ट्राई किया मैकेनिक लोगों ने, एक हफ्ता हो गया, फिर हम बोला वायरिंग का मसला है, फिर हम बिलाल भाई को भेज दिया इधर इलेक्ट्रिकल सेक्शन में। वो अभी क्रैंक सेंसर उतार लिया, क्रैंक सेंसर है, ये क्रैंक सेंसर का वायर है, ये पीछे लगता है क्रैंक सेंसर है, ठीक है। अब ये गाड़ी स्टार्ट करेगा बंदा, अभी देख लाइव देख लो, ये बंदा का अंदर इतना टैलेंट है भाई, क्या बताओ। क्रैंक सेंसर जब लगाता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, क्रैंक सेंसर ये देखो। क्रैंक सेंसर उतरा हुआ है, अब आपको मैं अंदर से दिखाऊं तो आपको पता चलेगा तो क्रैंक सेंसर कितना लगता है। ये है क्रैंक सेंसर, आप दिखे अंदर ड्राइविंग के साथ पीछे लगता है, गियर देखो और फिर उतरा हुआ है। देखो ये जो है बंदा है ना, इसके अंदर इतना टैलेंट है भाई। पहले पाकिस्तान के अंदर था ये, अब उधर भी इसका टैलेंट नहीं निकला है, अभी ओमान के अंदर आया है, मेरे साथ काम करता है। इंशाल्लाह इसको टैलेंट को हम बांटेंगे सारी दुनिया के साथ। आप इसको टैलेंट को सीखना है, जानना है, तो ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कर लो ये चैनल को, ठीक है। ये देखो बंदा क्रैंक सेंसर के बगैर स्टार्ट करता है, अभी क्रैंक सेंसर लगाएगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये भी आप लोगों को हम लाइव दिखाएंगे, आप पूरा वीडियो देखो, फिर आप समझ जाएगा इसका फॉल्ट किधर से निकलता है। फिर भी हम आप लोगों को शेयर करेंगे, कंप्यूटर में मसला है, क्रैंक सेंसर में मसला था, हाँ वायर में मसला है। अब देख लो थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है, लेकिन गाड़ी चल रहा है भाई, देख लो गाड़ी चल रहा है। गाड़ी स्टार्ट होता है क्रैंक सेंसर के बगैर, अभी क्रैंक सेंसर इसको लगाता है, रेस भी सही ले रहा है, आप देख सकते हो। थोड़ा रेस मारो भाई बिलाल भाई, ये देखो रेस भी सही ले रहा है। ये है बंदा का चैलेंज, ठीक है। अभी बंद कर, क्रैंक सेंसर लगा, ठीक है गाड़ी अभी बंद करते हैं। इंजन चेक लाइट है, सब्र चेक इंजन दे रहा है, तो चेक इंजन वगैरह दे रहा है, क्योंकि इसका सॉकेट सारी खुला हुआ है क्रैंक सेंसर का, और वायरिंग भी चेक चल रहा है, इधर से काम हो रहा है। अभी बंद कर गुच्छा लगाऊंगा, अभी गुच्छा लगाएगा, इसका शीशा लगाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा। आरबी से इसको पीछा कहते हैं, क्रैंक सेंसर का भी शीशा लगा रहा है। तो ये है भाई कहानी, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाया हमसे। फिर भी हम बिलाल भाई को बोला, भाई इसको फॉल्ट ढूंढ लो आप, हमने बहुत कोशिश की, एक हफ्ता से स्टार्ट नहीं हो रहा था, जगह बहुत ख़राब है, हाथ नहीं घुस रहा है अंदर, फिर भी हम कोशिश करते हैं लगाने का। देख सकते हो आप गाड़ी अभी भी स्टार्ट है क्रैंक सेंसर के बगैर। ये है इसका क्रैंक सेंसर, इसको पल्स दे के अभी गाड़ी स्टार्ट चल रहा है, लेकिन क्रैंक सेंसर लजुम इसका पल्स होना चाहिए, सिग्नल होना चाहिए कंप्यूटर के साथ, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। अभी ये गाड़ी क्यों स्टार्ट हो रहा है हम भी नहीं पता है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं इसका फॉल्ट किधर है। अब लगा दिया क्रैंक सेंसर, लगा दिया भाई, अभी गाड़ी बंद हो गई, आप देख सकते हो गाड़ी बंद हो जाता है, ये लाइन में शॉर्ट है ना कंप्यूटर में ख़राब है। अभी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। चलो बिलाल भाई स्टार्ट करो गाड़ी, अभी गाड़ी को भाई करता है अंदर चला गया बिलाल भाई। अभी देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कर रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बस छोड़ दो।
तो भाई ये है गाड़ी में दिक्कत, जब क्रैंक सेंसर लगा रहता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। हम भी टाइमिंग वगैरह भी चेक कर लिया, फिर भी एक सेम मसला था। अभी एक क्रैंक सेंसर भी सही है, हम दूसरी लगाया था फिर भी सेम है। जब वायर उतार के स्टार्ट किया था स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो जब क्रैंक सेंसर लगा रहता है तब स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, गाड़ी बहुत दिन से पड़ा फिलहाल है, भाई मतलब आप भाई क्या चीज़ चेक करना है, आगे चेक सब करेगा चेक आप? करेंगे क्या चेक करेगा आप? लाइन चेक करेगा ना इसकी। कंप्यूटर सबसे चेक पहले आर्थ करेगा? वगैरह चेक करेंगे। आर्थ वगैरह चेक करेगा? हाँ हाँ ये सही बात है, आर्थ वगैरह चेक कर लो। इधर से आर्थ लगा रहता है, ये देखो इधर सही है, दूसरी ये जगह पर सारे किधर आर्थ आर्थ चेक है करेंगे, वो भी उसके चेक बाद कर इस पर लो। कोशिश करेंगे, ना हुआ तो फिर इसके कंप्यूटर में कुछ। इंशाल्लाह कंप्यूटर हम भी बदल करके देखेंगे, क्योंकि दूसरी गैरेज पे आया है 1 महीने के बाद। उधर बहुत ट्राई किया, देख सकते हो आप ये गाड़ी एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट होने के बाद क्या किया उन लोगों ने, ये जो कवर है टूट गया था, टाइमिंग कवर, वो लोगों ने लगाया। लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है मसला, अब हम देख सकते हैं। तो इसका क्या मसला हो सकता है आप भी कमेंट करके बताइए। हम भी गाड़ी जब सही हो जाएगा क्या फॉल्ट निकलेगा फिर आप लोगों को हम बताएंगे। तो ऐसा तो मैं ज़्यादा उर्दू अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ आप थोड़ी समझ लोगे, लेगा तो अच्छा से समझ जाओगी इंशाल्लाह। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरी फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।